हेलो चैप्टर 1078। दिस चैप्टर वॉज ग्रेट, लेकिन मैं इस चैप्टर को अभी से एकदम ही अच्छा नहीं मानूंगा क्योंकि ये एक हाइप बनाने वाला चैप्टर था। अब जब ऐसे पहले चैप्टर्स ऑर्डर ड्रॉप करता था ना, जैसे कि चैप्टर 1035, 1043, 1049, तब ना मैं बहुत खुश हो जाता था। लेकिन जब से वानो गोबर हुआ है तब से मैं थोड़ा कंसर्न्ड फील भी करने लगा है कि कहीं हाइप बना के ओडा हगना दे बाद में। इसलिए मैं इस चैप्टर को अच्छा मानता हूँ पहले के चैप्टर से, आफ्टरऑल काफ़ी न्यू इन्फो मिला है, लेकिन इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाला मैं। चलो इंट्रो देख लो, फिर डिटेल में बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर। एंड आज तो काफ़ी कुछ है मेरे पे बोलने के लिए, 10 मिनट की भी वीडियो खींच सकती है, लमाओ, लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय VoiceMe। VoiceMe एक काफ़ी अच्छा फ्री कॉमिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम्हें काफ़ी टाइप के कॉमिक्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। कुछ कॉमिक्स का तो आर्ट स्टाइल इतना मस्त है भाई, मानवा लेवल एकदम, प्लॉट भी मज़ेदार है। एक पर्टिकुलर कॉमिक जो मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ, दैट इज़ द मैड गेट। फुल एक्शन वाला कॉमिक है ये, अगर तुम एक्शन लवर हो तो यू लव दिस। डिस्क्रिप्शन में द मैड गेट का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर से देखना। एंड VoiceMe के एप्लीकेशन को भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में तुम्हें मिल जाएगा, वो भी फ्री में। जैसे मैंने पहले बोला, गो एंड रीड सम ग्रेट कॉमिक्स इन VoiceMe। ऑलराइट, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द किज़ारू सिचुएशन। सेंतमारू और स्टसी के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें ये पता चल गया कि क्यों किज़ारू, सैटर्न चीचा और मरीन्स अभी तक इन्वेड नहीं किए हैं एगहेड पर। आंसर सिंपल है इसका, क्योंकि मरीन्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट थिंक कि एगहेड ओहारा से ज़्यादा खतरनाक है। बस ओहारा के कंपैरिजन में मरीन्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑन गार्ड है और प्रिपरेशन कर रही है एगहेड के लिए। ऐसे ही बस एम्बश नहीं कर सकते ये एगहेड पे, दिस इज नॉट ओहारा जो कि डिफेंसलेस था। प्लस इधर पर हमारे मोंकी डी लूफी भी हैं, ये वैसे हम सब ने पहले से गेस कर ही लिया था, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ था ये, बट या अब ये कन्फर्म हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किज़ारू और सैटर्न भाई एगहेड के बाहर इसलिए रुक गए ताकि वो मेक श्योर करें कि लूफी और वेगापंक एगहेड से ना निकल पाए, और अगर निकल भी गए तो ये सी में उनको रोक ले। सी बैटल में वैसे भी लूफी कुछ ज़्यादा दिक्कत दे नहीं पाएगा, प्लस मरीन्स पे नंबर ज़्यादा है तो स्ट्रॉहेड्स का डिफीट पक्का है अगर वो लोग मरीन्स से सी में फिरते हैं तो, दैट इज़। बट इधर पर रॉजर वर्सेस शीकी वाला चीज़ हो सकता है, अ स्टॉर्म कैन हेल्प स्ट्रॉहेड पायरेट्स टू एस्केप द सिचुएशन। आई थिंक हमें आने वाले टाइम में ऐसे कुछ दिखने वाला है, लूफी लोग एगहेड से निकल जाएंगे और किज़ारू और सैटर्न पे अटैक करेंगे शिप से, और स्टॉर्म स्टूम के थ्रू या फिर कोला पावर यूज़ करके लूफी लोग कैसे तैसे बच जाएंगे इस सिचुएशन से। बैटल ऑफ एड वॉर 2.0 दिखेगा हमें शायद से, लेट्स गो। हानकॉक सेराफिम वाले फ्लोर में वी सॉ हानकॉक सेराफिम, ऑब्वियसली फ्रैंकी आधा ही पत्थर बना है, आई वंडर व्हाई, मे बी ही अनकॉन्शियसली फिगर्ड आउट सम वीकनेस ऑफ मेरोमेरोनोमी, क्या पता। हानकॉक सेराफिम ने इस चैप्टर में पाइथागोरस का सर को कुचल दिया है, एंड ये जो ब्लास्ट सा हुआ है बड़ा सा, आई थिंक ये पाइथागोरस के सर फटने से ही हुआ है। डज दिस मीन कि पाइथागोरस मर गया है? आई गेस पूरा शरीर ही खत्म हो गया तो अब वो कैसे ही बचेगा, राइट? अनलेस ओडा कुछ थॉर लव एंड थंडर टाइप शिट भाई पुल ऑफ कर दे ये बोल के कि अरे पाइथागोरस का तो आँख में ब्रेन है, एंड एज लॉन्ग एज वो ठीक है वो जिंदा रहेगा, एंड ये एक्सप्लोजन से कैसे तैसे उसका आँख भी बच गया, भाई गुस्सा चढ़ जाएगा मेरे को अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इसके अलावा वी नाउ नो कि एटलस, रॉबिन और चॉपर जा रहे हैं अंडरग्राउंड लैब जहाँ पर ट्रेटर एंड स्टेला है, लेकिन क्या ये अंडरग्राउंड लैब तक पहुँच पाएंगे? आई थिंक सो, लेकिन इतने जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन पर अटैक करने वाला है अभी मिहॉक सेराफिम, जो लूफी लुच्ची ज़ोरोकाकू के सामने से गायब हो गया। इन लोग क्या कर रहे थे भाई, आई डोंट नो, दो में से एक ओपोनेंट ही मिसिंग हो गया एंड ये इतना लेट रियलाइज़ किए। आई थिंक ज़ोरो और काकू लेकिन मिहॉक सेराफिम को संभालने पहुँच जाएंगे रॉबिन लोग के सामने, और फिर शायद रॉबिन चॉपर एटलस जाएंगे अंडरग्राउंड लैब। बट क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये ट्रेटर को हरा के स्टेला को बचा सके? आई डोंट नो, मे बी नॉट। इसके अलावा सांजी का थोड़ा फाइट भी दिखा है, उसको कुछ नहीं हो रहा ऑब्वियसली, बेस्ट ड्यूरेबिलिटी यार उसका एट दिस पॉइंट इन स्ट्रॉ हैट्स आफ्टर गियर 5 वाला लूफी। बाय द वे लूफी का एक मोमेंट मेरे को बहुत मस्त लगा इस चैप्टर में, वही उसने काकू को उसॉप बोला भाई, व्हाट द फक भाई, लमाओ, लूफी इज अ क्लाउन फॉर रियल भाई, मस्त। कुमा सेराफिम को इस चैप्टर में कुछ नहीं हुआ है, वैसे रेडिट में एक बंदे ने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि मतलब जो कि आई थिंक सही है, कि जब भी सेराफिम अपना फ्रूट पावर्स यूज़ करते हैं उनका फ्लेम बैक का बुझ जाता है, मतलब कि वो फ्रूट पावर्स यूज़ करते टाइम ही मोस्ट लाइकली वल्नरेबल हो जाते हैं। ये चीज़ का यूज़ करके तीनों मॉन्स्टर ट्रियो फोड़ सकते हैं सेराफिम को। बॉनी का भी हमें दो पैनल दिखा है, रोते हुए दिखी है बॉनी, सैड, बट हमें भी बता भाई कि क्यों रो रही है। आई थिंक इसने पूरा मेमोरी देख लिया कुमा का, अगर ऐसा है तो फिर बाद में आराम से बताएगी कि क्या देखी थी, अभी तो नहीं पता चलने वाला, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग एगहेड इंसिडेंट। सी ये दो वर्ड्स, एगहेड इंसिडेंट,
यही हमें कहीं ना कहीं बता देती है कि एगहेड बर्बाद होने वाला है। गॉड वैली को वैनिश की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इट बिकेम गॉड वैली इंसिडेंट। ओहारा को उड़ा दी थी वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इट बिकेम ओहारा इंसिडेंट। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ एगहेड आइलैंड टू। लेकिन क्या सिर्फ एगहेड का डिस्ट्रक्शन इनफ होगा पूरी दुनिया को शॉक करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। नरेटर ने जैसा कहा कि पूरी दुनिया चौकेगी इस इंसिडेंट से, वही पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए किसी का डेथ या फिर कुछ ट्विस्टेड चीज़ होना चाहिए ना। नो, इधर पर चार चीज़ें हो सकती है जो अगर हुई तो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वन पीस वर्ल्ड पे। फर्स्ट, अगर लूफी मर जाता है या कोई स्ट्रॉ हैट मर जाता है या पकड़ा जाता है तो तब दुनिया हिल जाएगी। सेकेंड, अगर सैटर्न इधर पकड़ा जाता है या मर जाता है तब पूरी दुनिया हिल जाएगी। थर्ड, अगर यहाँ किजारू मर जाता है या पकड़ा जाता है तब पूरी दुनिया हिल जाएगी। एंड फोर्थ, अगर यहाँ पर वेगापंक मर जाता है या पकड़ा जाता है तब पूरी दुनिया हिल जाएगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीन तो भाई नहीं होने वाला, क्योंकि लूफी मेन कैरेक्टर है और किजारू और सैटर्न मर जाए या पकड़ा जाए इतने फुद्दू है नहीं है। तो आई थिंक वेगापंक मरने वाला है एंड वेगापंक की डेथ ही पूरी दुनिया को ट्रूली शॉक करेगी। सी, पाइथागोरस तो मोस्ट लाइकली गया, राइट? लाइक भाई डेड है मोस्ट लाइकली वो। शाका शायद बच जाए, बट क्या पता, मे बी ही इज़ डेड। लिलिथ एडिसन भी पिट गए हैं। एटलस सेफ है, बट क्या वो सेफ रह पाएगी लंबे टाइम तक? पता नहीं। आई थिंक ऐसा कुछ सीन हो सकता है कि एक पंख बच जाए और स्टेला और बाकी पंख्स मर जाए, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। शायद एटलस बच जाएगी या फिर लिलिथ में भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब पंख्स मर जाएंगे और स्टेला बस बच जाएगा, या फिर क्या पता वो भी मर जाएगा एंड मरने से पहले कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना रिसर्च वो स्ट्रॉ हैट्स को पास कर देगा। मुझे लग रहा है कि वेगापंक पूरी तरह यहाँ पे मर जाएगा। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दैट शाका वॉज राइट। उसने बोला था ना ड्रैगन को कि वो मरने वाला है, ट्रू हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। भाई अगर हुआ ऐसा तो फिर एटलीस्ट किसी का तो प्रिडिक्शन सही होगा लमाओ। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेटर यॉर्क। पहले तो जो लोग बोल रहे थे कि ये इमसामा है क्योंकि इसके चलने की आवाज़ से, मैं देख लो भाई तुम कितने सही थे। इमसामा फेस रिवील भाई, अरे ये थंबनेल होने वाला मेरा, लेट्स गो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाउ डिड यू लाइक दिस रिवील? दिस वॉज नॉट वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि यॉर्क एडिसन या एटलस में से कोई ट्रेटर है। एडिसन ट्रेटर नहीं है ये मैं लास्ट चैप्टर में समझ गया था, इसलिए मेरा मेन शक एटलस और यॉर्क पे ही था। मैंने दो पॉसिबिलिटीज सोच के रखा था। पहला कि यॉर्क जानबूझ के हानकॉक सेराफिम से पत्थर बन गई होगी ताकि बाद में सुमड़ी में हरकतें कर सके, और दूसरा कि एटलस जानबूझ के लुच्ची के सामने कूद गई थी ताकि बाद में वो हरकतें करे और उस पर किसी को शक ना हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी गॉट ट्रू, नाइस। यॉर्क ने अपना इंटेंशन, अपना मोटिव बताया बिट्रेयल का, क्योंकि उसको सिलेस्टल ड्रैगन बनना है एंड शी वॉन्ट्स टू बी द ओनली वेगापंक टू बी अलाइव। नाउ सी, मोटिव तो हमें यॉर्क ने बता दिया है, बट आई वॉन्ट टू नो कि इस मोटिव के पीछे का रीज़न क्या है। कुछ तो रीज़न होगा ना कि क्यों वो सिलेस्टल ड्रैगन बनना चाहती है। अकेला वेगापंक बनना है उसको समझ आता है, भाई ग्रीडी है वो, आई गेट इट, बट सिलेस्टल ड्रैगन क्यों? डोंट टेल मी कि इसके पीछे कोई सुअर सा रीज़न है कि उसको राजा बनने का शौक है या फिर उसको अनलिमिटेड फूड मिलेगा इसलिए उसको सिलेस्टल ड्रैगन बनना है। एंड यॉर्क इतनी गवार है क्या, इतनी गधी है क्या भाई? शी रियली थिंक्स कि वो सिलेस्टल ड्रैगन बन पाएगी? डॉफी रॉयल ब्लड होकर भी कभी सिलेस्टल ड्रैगन नहीं बन पाया वापस से, और ये एक रोबोट सपने देख रही सिलेस्टल ड्रैगन बनने के। ऑल्सो, वाई डिड शी यूज सच अ सिंपल गन टू शूट शाका? भाई थोड़ा मैकेनाइज्ड कूल सा गन यूज़ करती, अच्छा लगता टेक्नोलॉजी देख के। ज़बरदस्ती भाई मैं डॉफी सेराफिम एक्सपेक्ट करने लग गया था इस गन को देख के, मेरे डॉफी वाले थंबनेल की बेइज्जती कर दी इसने। एंड दिस मिस्टीरियस पर्सन, वॉज दिस यॉर्क टू? आई थिंक सो, बट फिर ओडा ने इसका आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं किया? आई मीन सेम चैप्टर में ही ट्रेटर का आइडेंटिटी रिवील किया ओडा ने। He could have shown a little bit of silhouette, you know, to indicate that this mysterious character is none other than York. अजीब, मतलब मुझे अजीब लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये mysterious character कोई और है एंड वो भी है Egghead में along with York. Next week break नहीं है, nice. कंसिस्टेंट ओडा और वॉट भाई, एटलीस्ट कोई तो कंसिस्टेंट है। आई रियली वॉन्ट टू सी कि ओडा यॉर्क से रिलेटेड चीज़ों को कैसे पुल ऑफ करने वाला है एंड क्या ओडा ऐसे दिखाने वाला है कि पूरी दुनिया उससे चौंक जाएगी, ये भी आई वॉन्ट टू नो। इसके अलावा कुमा का मेमोरी मुझे जानना है, कुमा क्या दर्द से गुजरा था, हानकॉक सेराफिम से कौन भिड़ेगा, आई वॉन्ट टू नो दैट टू। यॉर्क को कौन रोकेगा ये भी मुझे जानना है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि यॉर्क स्टेला को खा जाएगी अभी? ऐसा कुछ सीन तो नहीं दिखने वाला ना अपने को? बिग मॉम जैसे मदर कैरेमल को खा के उसका फ्रूट ले ली थी, वैसी शायद यॉर्क भी स्टेला को खा ले अभी और उसको वेगापंक का फ्रूट मिल जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई क्रेजी हो जाएगा। मैं काफ़ी कुछ के बारे में और जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्टेशंस कम भी रख रहा है, वानो शिट वापस ना हो जाए भाई कहीं इसलिए। एंड या दैट्स इट,
वॉइस मी को चेकआउट करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट टू, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में ये बात सुनने मिलेगी, तो बाय बाय.